आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर नमन कि आप लोग लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ए टू जेड। इसका पूरा हम सीखेंगे क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान कैसे, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे, सब चीज़ जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में केवल इसी एक वीडियो में। और इसके पहले मैंने दोस्तों टेंस की वीडियो बनाई थी जिसमें कि सभी टेंस के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वैसे करते करते हम फ्यूचर तक सब कुछ डिस्कस किए थे। तो अगर आपके पास फालतू टाइम है तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो इसमें हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इसमें जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका मत मारिएगा रट्टा, नंबर कम आए तो पापा आपके सिर पे तान देंगे कट्टा। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों रट्टा मारने की बिल्कुल कोशिश ना करिएगा, जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ सीधा समझते चले जाइए। तो देखो यहाँ पर पहले हम जानते हैं थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट के। हालांकि ये सब मैं टेंस के वीडियो में सब बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी, लेकिन मुझे पता आप तो देखने जाने वाले नहीं हो वीडियो, तो इसलिए इसमें भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पहचान, पहचान आइए पहले इसकी जानते हैं क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो पहचान होती है इसकी अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ जाता है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द, अगर जैसे कि कुकुरवा भौंकता है, मैं घर जाता हूँ, इस तरीके का हम गोबर उठाते हैं, ठीक, तो ता है, ती है अंत में आ रहा, तो वो क्या है आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, समझ गए। अब देखो इस टेंस आपको ज्ञात क्या होगा, क्या मतलब वाक्य से मिलेगा, या तो उसमें कुछ हैबिट टाइप का दिया होगा, या तो यूनिवर्सल ट्रुथ दिया होगा, या तो कोई सामान्य घटना दी होगी। अब यूनिवर्सल ट्रुथ सोचोगे क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जैसे कि सूरज ईस्ट से उगता है, तो सूरज ईस्ट से ही उगेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब इसको आप बदल तो सकते नहीं हो, कह दो भैया सूरज भैया आप साउथ से उग जाओ, ईस्ट से ना उगो, तो ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उगता है, देखो ता आ जा रहा है लास्ट में, तो यानी कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये तीन प्रकार चार ऐसी तरीके के कुछ शो करता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, सामान्य घटना हो गई, कोई हैबिट हो गई, तो यही सब शो करेगा, ठीक। जान गए पहचान क्या होती है, क्या ज्ञात होगा उस वाक्य से प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या तो डज, ठीक, डू या तो डज होती है। बहुत लोग सोचते हैं ऐसे या तो ईएस होती है, लेकिन ऐसा भैया नहीं है, डू या तो डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन अब देखो इसमें तीन प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, कौन कौन से, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, ठीक। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जो सकारात्मक हो, ठीक, उसमें नहीं नहीं आएगा और प्रश्न उसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो सकारात्मक है, सिंपल सा सेंटेंस रहेगा, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, तो ये आपका सकारात्मक है, अफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक। और निगेटिव जो होता है, निगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं आ जाता है, ठीक, जैसे कि मैं गोबर नहीं उठाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका नहीं वाला, तो क्या हो जाएगा ये आपका निगेटिव सेंटेंस। और एक क्वेश्चन एक आता है इंट्रोगेटिव, मैं गोबर क्यों नहीं उठाता हूँ, क्या तुम गोबर उठाते हो, तो ये सब क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन टाइप का पूछा जाए, ठीक। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आप गोबर उठाते हो, तो गोबर उठाते हो ये प्रश्नवाचक बन गया, तो क्या हो जाएगा आप जवाब दोगे हाँ या तो ना, अगर उठाते होगे तो हाँ दोगे, नहीं उठाते होगे ना दोगे, तो ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक। तीन प्रकार के बनते हैं, जिसमें सकारात्मक हो वो अफर्मेटिव, जिसमें नहीं आ जाए वो निगेटिव, और जिसमें क्वेश्चन टाइप का पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव, समझ गए। अब देखो ये डू डज जो है वो आपका अफर्मेटिव में नहीं लगता, ठीक, पतन का ससुरक दुश्मनी है कि अफर्मेटिव में लगभग नहीं करता, ठीक है, तो ये जान लो नहीं लगता, ठीक, डू या तो डज नहीं लगेगा आपका अफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है, ठीक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चाहे जैसा सेंटेंस आ जाए भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। अगर कोई कहे नहीं भैया सेकंड लगा, मारना दो चाटा, अगर ऐसे कोई कहे सेकंड फॉर्म लगेगा, फर्स्ट ही फॉर्म लगेगा हमेशा, ठीक, ये जान गए। अब देखो अब मैंने ऐसे या तो ईएस की बात की थी ना, ऐसे या तो ईएस, अब जान लो भैया ये कहाँ लगता है, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो वो यहाँ लगता है जहाँ पर थर्ड फॉर्म रहे, ठीक, सॉरी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं, अभी तो आप मुझे दो चाटा मार देते, तो देखो थर्ड फॉर्म नहीं, देखो थर्ड पर्सन जहाँ रहता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर जहाँ रहता है वहाँ पर आपका एस या तो ई एस लगता है, ठीक। अब ये भी जान लो कहाँ थर्ड पर्सन क्या होता है, देखो एक तो होता है भैया आपका फर्स्ट पर्सन, एक तो होता है सेकेंड, ठीक, एक तो होता है थर्ड, ठीक। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आपका होता है जैसे कि जो बोल रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो इसमें क्या आ जाता है आपका आई और वी आ जाता है, ठीक,
सेकंड में क्या आ जाता है, जो मैंने ये सुन रहा है वो आपका क्या हो जाता है, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसमें क्या आ जाता है आपका, ही शी इट। ठीक है, समझ गए। जैसे कि मैं हूँ, मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन रहूँगा, सुनने वाला दूसरा। मान लो मैं किसी की चुगली उगली कर रहा हूँ, तो वो जिसकी चुगली कर रहा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी आ जाता है, सेकंड में यू आ जाता है, थर्ड में ही शी इट आ जाता है। समझ गए इतना। देखो अब थर्ड पर्सन में इसी के साथ आपका क्या, ऐसे या तो ईएस लगता है, या तो इसके साथ लगेगा। अगर कोई सिंगुलर दिया गया है थर्ड पर्सन का, यानी कि उस सेंटेंस में किसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक, अगर वो एक ही आदमी है, सिंगुलर है, तब भी उसके साथ आपका ऐसे या तो ईएस लगेगा। समझ गए, नहीं समझे तो अभी इस सेंटेंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। ऐसे या ईएस कहाँ यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डू या तो डज, पहचान क्या होती है, ठीक, सब कुछ हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक, तो ये हमने क्विक रिवीजन कर लिया, हालांकि मैंने प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में ये सब बताया है बकायदे। ठीक, तो अब चलो इसको इरेज करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ, कि किस तरीके से आप उसका फॉर्मेशन कर सकते हो, क्या रोल होते हैं। ठीक, तो आइए चलिए सीखते हैं। देखो इसका आपको क्या करना है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने उसका मंत्र लिख दिया है। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो उसमें वाक्य में काम कर रहा है। जैसे कि मैं गोबर उठाता हूँ, मान लो ये एक सेंटेंस है, तो इसमें गोबर कौन उठा रहा है, मैं, तो मैं इसका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो क्रिया को करता है वही कर्ता है। ठीक, तो वही मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब जैसे कि मैं गोबर उठाता हूँ, तो उठाना जो है इसमें वर्ब है। ठीक, उठाना क्रिया है, क्रिया मतलब वर्ब, तो उसका मेन वर्ब सब फिर लिखा जाएगा, फिर एस या तो ई एस, ठीक, फिर मेन वर्ब के साथ आपको ऐसे या तो ई एस लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक, जो ऑब्जेक्ट बचा रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए करते हैं, देखो रूल पढ़ते हैं इस पहले, आई वी यू दे, अगर आई वी यू दे है, ठीक, तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, समझिए, देखो अगर आई वी यू दे है या बहुवचन की संज्ञा, यानी कि संज्ञा जो है वो बहुवचन में है, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। समझ गए, तो पहले इसको आओ पहले डिस्कस करते हैं। देखो मैं घर जाता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर देखो पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, मैं का क्या होगा, आई होगा। ठीक, मैं घर जाता हूँ, देखो अब मेन वर्ब आपका क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है आपका जाता, तो जाता की इंग्लिश क्या होगी, गो होगी। ठीक, अब सोचोगे दोस्तों इसमें कि आपका डू डज क्यों नहीं लग रहा है, भैया इसके पहले मैंने बताया कि अफर्मेटिव में डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ठीक, तो देखो मैं घर जाता हूँ, तो आई, ठीक, फिर मेन वर्ब गो, फिर जाता हूँ, आई गो होम, कहाँ जाता हूँ, होम जाता हूँ। ठीक, तो होम लिख दो यहाँ पर। अब सोचोगे कि यहाँ पर मेन वर्ब साथ ऐसे या तो ई एस लगेगा। अब देखो भैया थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि ऐसे या तो ई एस वहाँ लगता है जहाँ पर आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक, थर्ड पर्सन ही शी इट, ठीक, या फिर सिंगुलर हो कोई थर्ड पर्सन का, तो वहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखो मैं जो है वो आपका थर्ड पर्सन में नहीं आता, ये तो फर्स्ट पर्सन है। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर आपका, ऐसे या तो ई एस नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर साथ आपका ऐसे या तो ई एस लगता है, अभी मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, हम आम खाते हैं, तो हम का क्या हो जाएगा, वी। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो आई वी, तो वी, तो यहाँ पर लिख दो सब्जेक्ट पहले वी। ठीक, मेन वर्ब क्या है, खाते, खाते की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ईट, फिर ऐसे ई एस लगेगा नहीं इसमें क्योंकि ये थर्ड पर्सन है नहीं, वी ईट मैंगो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब देखो वे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, दे। ठीक, तो दे यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, वे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो दे के बाद क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, बात, यानी कि स्नान करना। ठीक, दे बात, फिर आपका क्या ऐसे ही एस लगेगा नहीं, फिर अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द गंगा। ठीक है, यानी कि गंगा जी में स्नान करते हैं। अब सोचोगे इन के बाद मैंने दा क्यों लगा दिया, ठीक है, तो इन द गंगा इसलिए मैंने दा लगाया क्योंकि भैया देखो कहीं रिवर उवर की चीज़ आ जाती है ना, वहाँ पर दा लगता ही है, और गंगा हमारी पवित्र नदी भी है, तो वहाँ दा लगेगा। मैंने आर्टिकल के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हो। ठीक,
तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का ये एक पार्ट। अब इसको शुरू करते हैं। देखो ही शी इट, अगर ही शी इट है तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या तो ई एस लगता है। समझ गए? नहीं समझे फिर समझो। देखो ही शी इट है, ठीक। अगर ही शी इट है तथा एक वचन की संज्ञा, अगर एक वचन की संज्ञा, ठीक है, यानी कि संज्ञा जो हो वो एक वचन में है। यहाँ देखो संज्ञा जो थी वो बहुवचन में थी, ठीक। तो ही शी इट, देखो ही शी इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगी। अब इसमें एस या तो ई एस लगेगा। देखो राम अपने घर जाता है। अब देखो अब राम यहाँ पर एक वचन है, ठीक ठीक, और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा राम, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख दो राम। देखो हिंदी में राम लिखा जाता है, इंग्लिश में रामा, ठीक। तो रामा अपने घर जाता है, तो अब क्या लिखोगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, गो, ठीक। अब एक गो के साथ ई एस लगा दो, गोस हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे फिर समझो। देखो राम अपने घर जाता है, तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब जाता, जाता का हो जाएगा गो, गो के साथ ई एस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर राम जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रामा गो कहाँ जाता है, टू हिज हाउस, ठीक, अपने घर जाता है, ठीक, रामा गोज टू हिज हाउस। अब देखो माता जी रामायण पढ़ती हैं। अब देखो माता जी पिताजी ये सब हिंदी में जो होता है दोस्तों, ये हिंदी में आपका बहुवचन में लिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में अगर मदर कहोगे तो वो आपका एक वचन में लिया जाता है, यानी कि सिंगुलर में। तो यहाँ पर माता जी रामायण पढ़ती हैं, ठीक, तो माता जी आपका क्या आ जा रहा है, सिंगुलर आ जा रहा है थर्ड पर्सन का। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे मदर, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, माता जी हैं, ठीक, माता जी, ठीक, माता जी रामायण पढ़ती हैं। तो देखो माता जी रामायण पढ़ती हैं, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ती, तो यहाँ पर हो जाएगा रीड्स, ठीक। क्यों रीड्स हो गया, क्योंकि देखो मदर जो है यहाँ पर, देखो माता जी होता है बहुवचन किस में, हिंदी में, लेकिन अगर उसको इंग्लिश में लिखोगे तो वो एक वचन हो जाता है, सिंगुलर, सिंगुलर यहाँ पर मैंने बताया ही शी इट तथा एक वचन की संज्ञा के साथ, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगी है, उसके अंत में एस या तो ई एस, तो यहाँ पर एस लगेगा। अब सोचोगे दोस्तों एस या ई एस कहाँ लगता है, दोस्तों ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से ये क्लियर होगा कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ई एस। कुछ रूल भी होते हैं, जैसे कि जहाँ पर जी ओ, जैसे कि वोवेल आ जाए, जैसे गोस हो जाता है, ठीक है, तो ये सब कुछ रूल होते हैं, ठीक। तो माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो माता जी का मदर हो जाएगा, रीड का रीड्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माता जी आपके थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, ठीक। माता जी रीड्स द रामायण, ठीक, रामायण, ठीक। अब सोचोगे द मैंने क्यों लगा दिया, द इसलिए क्योंकि अगर कोई दोस्तों बुक का नाम आ जाता है, जो कि जैसे गीता हो गई तो द गीता कहोगे, ठीक, द कुरान, द बाइबल, वैसे द रामायण, तो ये हो गया, ठीक, मदर, मदर रीड्स द रामायण। अब देखो अब क्या है, आग जलती है, ठीक, आग का क्या हो जाएगा, फायर, पहले सब्जेक्ट लिख दो, जलती है, ठीक। अब देखो अब क्या लिखोगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, जलती, जलती का क्या हो जाएगा आपका बर्न, ठीक। अब ऐसे है तो ई एस लगाओगे तो यहां पर बर्न्स हो जाएगा, ठीक, और ऑब्जेक्ट अब कुछ है नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका फायर बर्न्स। तो इस तरीके से दोस्तों फॉर्मेशन होता है अफर्मेटिव का। आओ फिर इसे एक बार जानते हैं। देखो आई वी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञा है, तो उसके साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, आई गो होम, हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगो, पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर एस ए आई एस, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कहीं आई वी यू दे है तो वहाँ पर एस ए आई एस नहीं लगेगा, केवल थर्ड पर्सन के साथ लगता है, ठीक, थर्ड पर्सन के, वो भी सिंगुलर के साथ, ठीक, समझ गए। और अगर कहीं ही शी इट है तो वहाँ भी लगेगा आपका क्या, ऐसे या तो ई एस। तो इतना समझ में आया अफर्मेटिव का। अब चलिए चलते हैं निगेटिव की तरफ। आइए अब चलते हैं अपने निगेटिव की तरफ। अफर्मेटिव हमने सीख लिया, अब चलते हैं निगेटिव की तरफ। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा हेल्प, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, कर्ता जानते ही जो काम करता है, ठीक। उसके बाद डू डज, ठीक, डू डज इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह इसमें डू डज होगा, लगेगा, उसके साथ नॉट लगेगा, ठीक, डू डज के साथ नॉट।
फिर मेन वर्ब उसके साथ ऑब्जेक्ट, ठीक, मेन वर्ब जो रहेगी उसको लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब आइए इसका रूल पढ़ते, देखो आई वी यू दे है, अगर आई वी यू दे है तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ डू नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा, जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक, नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस, तो मैं का क्या हो जाएगा आई, ठीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो यहाँ पर लिख दो मैं का क्या होगा आई, ठीक। अब क्या करना है, डू डज लगाना है, तो क्या लगेगा आई वी यू दे के साथ डू, डू लगेगा तो डू लगा दो, ठीक, उसके साथ क्या लगेगा डू नॉट, ठीक है, बहुत सिंपल से आराम से समझते जाओ, बस कॉपी कलम लेकर बैठे रहो, नोट करते जाओ ये सब, ठीक। मैं आम नहीं खाता हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई, फिर डू नॉट, क्यों डू नॉट, क्योंकि आई वी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ डू नॉट लगता है आपका, ठीक। तो यहाँ पर आई डू नॉट हो गया, आम नहीं खाता हूँ, आम नहीं खाता हूँ, फिर उसके बाद मेन वर्ब खाता, खाता का क्या होगा आपका ईट, ठीक, आई डू नॉट ईट, क्या नहीं खाता हूँ आम, तो मैंगोज, ठीक, मैंगोज हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट ईट मैंगोज। अब देखो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम का क्या होगा वी, ठीक, तो वी के साथ डू नॉट लगता है और बहुवचन की संज्ञाओं के भी साथ डू नॉट लगता है, यानी कि जब संज्ञा बहुवचन रहती तब भी डू नॉट लगेगा। हम क्रिकेट नहीं खेलते, हम का क्या होगा वी, ठीक, यानी कि सब्जेक्ट हो गया वी, उसके बाद डू नॉट या तो डज नॉट क्या लगेगा वी के साथ आपका लगता है डू नॉट, तो यहाँ पर लगा दो डू नॉट। फिर मेन वर्ब आप देखो क्या है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, खेलते तो खेलते इसका मेन वर्ब है तो प्ले हो जाएगा, ठीक, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक, तो ये हो गया आपका, समझ रहे हो। देखो अब आते हैं इस पर, तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, ठीक है, तुम का मतलब यू हो जाएगा, ठीक, यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, उसके बाद डू नॉट या तो डज नॉट, आई वी यू के साथ आपका डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, अपना पाठ नहीं याद, याद क्या है, याद एक क्रिया होती है, याद करना एक क्रिया होती है, तो क्या होता है, तो याद करने क्रिया होती है, तो यहाँ पर आपका क्रिया मेन वर्ब क्या हो जाएगा लर्न, ठीक, यू डू नॉट लर्न, अपना पाठ नहीं याद करते हो, यू डू नॉट लर्न योर लेसन, ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो कैसे एक बार आप जान लेते हैं, देखो अगर आई वी यू दे है और अगर बहुवचन की संज्ञा है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगी हर जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं आम नहीं खाता हूँ, तो पहले सब्जेक्ट मैं का आई हो जाएगा, फिर डू नॉट लगेगा क्योंकि आई वी यू दे के साथ आपका डू नॉट लगता है, ईट मैंगोस, फिर अब देखो अब आते हैं इस पर, ठीक, अगर ही शी ईट है, ठीक, तथा एक वचन की संज्ञा है के साथ डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझ गए, तो यहाँ पर देखो वह आज अपना कार नहीं करती है, ठीक, तो वह का क्या हो जाएगा आपका, वह का हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप ध्यान देना, वह अपना कार नहीं करती, तो यहाँ पर करती यानी कि महिला, सॉरी लड़की आ जा रहा है ना, तो लड़की है करती नहीं है तो करती, तो यानी कि लड़की, तो यहाँ पर ही की जगह हम शी लगाएंगे, अगर करता होता तो ही लगाते, तो शी क्या लगेगा, ही शी इट के साथ डज नॉट लगता है, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, ठीक, शी डज नॉट, अब आगे क्या होगा, वह आज अपना कार्य नहीं करती, ठीक है, तो देखो शी डज नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है इसमें वह आज अपना कार्य नहीं करते, शी डज नॉट, मेन वर्ब है आपका इसमें डू, ठीक, शी डज नॉट डू हर वर्क, हर वर्क टूडे। देखो इस सेंटेंस को एक बार और समझते हैं अच्छे से, ठीक, देखो तो यहां पर क्या था, वह आज अपना कार्य नहीं करती, तो वह का हो जाएगा शी, ठीक, शी के बाद क्या, शी के साथ आपका लगता है डज नॉट,
ठीक, वह अपना कार नहीं करती, ठीक, नहीं करती। तो यहाँ पर सोचोगे यहाँ पर डू क्यों लग गया, ये वाला डू। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका मेन वर्ब जो है वो डू ही है। करना को क्या कहा जाता है? डू। ठीक, तो मेन वर्ब आपका यहाँ पर डू है। तो डू हर इसलिए लगा क्योंकि लड़की है, वर्क टुडे क्योंकि आज भी लिखा है इसलिए टुडे लगाए। ठीक, वह आज अपना कार नहीं करती। अब आप दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, राम का भाई शतरंज नहीं खेलता। ठीक, तो राम का हो जाएगा हम क्या, रामाज ब्रदर। ठीक, तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा राम और उसका भाई दोनों क्या, राम का भाई शतरंज नहीं खेलता। तो रामाज के साथ क्या लगेगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक वचन है, राम भैया एक का वचन है। ठीक है, तो रामा और उसकी संज्ञा के साथ डू नॉट, डस नॉट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं डस नॉट। ठीक, अब क्या करोगे, रामाज ब्रदर डज नॉट प्ले, फिर मेन वर्ब आएगा, तो खेलना को क्या कहा जाता है, प्ले चेस। ठीक, समझ में आ रहा है, राम का भाई शतरंज नहीं खेलता। ठीक है, तो रामाज ब्रदर डज नॉट प्ले चेस। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब इस पे आते हैं, अगर कभी भी आ जाए आपके सेंटेंस में कभी नहीं, ठीक, जैसे कि वह झूठ कभी नहीं बोलता है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, तो इसके लिए क्या होगा, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है, नेवर के साथ डू नॉट, डू और डज नॉट नहीं लगता। समझ गए, अब देखो जहाँ पर डू और डज नॉट नहीं लगता वहाँ पर ऐसे या तो ईएस लगता है थर्ड पर्सन के साथ। ठीक, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। अब देखो कैसे होगा, वह झूठ कभी नहीं बोलता, तो वह का क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा ही। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ पर डू या तो डज नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर है कभी नहीं, तो कभी नहीं की जगह हम लगाएंगे नेवर, ही नेवर। ठीक, वह झूठ कभी नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स हो जाएगा यहाँ पर अ लाई। ठीक, अब देखो एक बार समझो इसको, इसको देखो, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। ठीक, तो यहाँ पर कभी नहीं की जगह अगर कभी भी आ जाए कि कभी नहीं, ठीक, सेंटेंस में कभी नहीं अगर आ जाता है तो वहाँ पर डू और डज नॉट नहीं लगता, ये जान लो ये रूल है। ठीक, वहाँ पर आपका नेवर लगेगा। ठीक, तो ही नेवर, तो पहले आपका सब्जेक्ट ही, फिर डू नॉट डज नॉट की जगह आपका नेवर हो जाएगा, फिर मेन वर्ब आपका टेल्स हो जाएगा। देखो टेल, अगर जब कभी नेवर आ जाता है ना, तो नेवर में थर्ड पर्सन अगर आ गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर भी आ गया, तो वहाँ आपका एस या तो ई एस लगेगा क्योंकि यहाँ पर डज नॉट डू नॉट नहीं लग रहा है। समझ गए, तो यहाँ पर देख सकते हो ही जो है वो आपका क्या है, ही आपका क्या है, ही आपका है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा आपका, ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक, तो टेल की जगह टेल्स हो गया, एस लग गया, अ लाई। ठीक, झूठ नहीं बोलता। पिताजी काफ़ी कभी नहीं पीते हैं। ठीक, तो पिताजी काफ़ी कभी नहीं पीते हैं, तो देखो पिताजी का क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट फादर, समझ रहे हो ना, फादर काफ़ी कभी नहीं पीते हैं। अब डू नॉट डज नॉट यहाँ लगता, लेकिन उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, उसकी जगह हम लगाएंगे नेवर। ठीक, फादर नेवर, उसके बाद क्या मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब क्या, कभी नहीं पीते हैं, नेवर टेक, तो टेक की जगह एस लग जाएगा, तो टेक्स हो जाएगा कॉफ़ी, तो यहाँ हो गया कॉफ़ी। ठीक, देखो पिताजी काफ़ी कभी नहीं पीते हैं, तो पिताजी का हो जाएगा फादर, सब्जेक्ट यहाँ पर डू या तो डज नॉट लगता, तो कभी नहीं आ गया तो इसलिए नेवर लगा, टेक कॉफ़ी। ठीक, तो ये हो गया। अब सोचोगे यहाँ पर पीते हैं तो ड्रिंक कॉफ़ी, ये भी हो सकता है, तो देखो तो टेक टी, नहीं लेते हैं। ठीक, आई होप दोस्तों आपको निगेटिव वाला समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव की तरफ, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये दोस्तों दो प्रकार के बनते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिसमें कि क्या जो है वो पहले आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो क्या तुम अब सोते हो, तो यहाँ पर देखो क्या पहले आ जाता है, जब अगर क्या पहले आ जाए, ठीक, अगर क्या जो है वो पहले आ जाता है तो ये पहला हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, अगर वाक्य के बीच में ये सब आ जाए, क्या, कब, क्यों,
कहाँ, ठीक। अगर ये सब आ जाता है वाक्य के बीच में आदि, ठीक है, आदि अगर ये सब आ जाता है वाक्य के बीच में, तो वो आपका क्या होता है, दूसरा टाइप। और पहला वाला जो टाइप है उसका सूत्र मंत्र ये है, और दूसरे वाले टाइप का ये है दूसरा वाला, ठीक। तो पहले हम पहला वाला सीखते हैं। तो देखो पहले वाले में क्या होता है, अगर जब क्या शब्द जो है वो पहले आ जाता है ना, तो क्या किया जाता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है डू या तो डज, ठीक है, इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब यही है, डू या तो डज, तो डू या तो डज आपका पहले लग जाता है सब्जेक्ट के, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर है क्या तुम अब सोते हो, तो इसमें क्या होगा, क्या जो शब्द है वो पहले आ गया है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है, यू से पहले डू आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो आ जाएगा, ठीक, समझ गए। तो देखो जैसे कि है कोई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, अगर क्या लिखा है, क्या का आपको इंग्लिश नहीं लिखना पड़ेगा, वाट, देखो सब्जेक्ट से पहले केवल आपका वो आ जाएगा कौन, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या तुम अब सोते हो, पहले इसको पढ़ देते हैं, आई वी यू दे, अगर आई वी यू दे है तथा बहुवचन की संज्ञा, बहुवचन की संज्ञा के साथ वाक्य के कर्ता से पहले, वाक्य के कर्ता से पहले डू आता है, ठीक, यानी कि अगर आई वी यू दे है और अगर बहुवचन की संज्ञा है तो आपका वाक्य के कर्ता से पहले, यानी कि वाक्य के वाक्य में जो सब्जेक्ट है कर्ता है उससे पहले आपका डू आ जाएगा, ठीक, डू आ जाएगा, तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ठीक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आओ देखते हैं यहाँ पर, क्या तुम अब सोते हो, तो क्या क्या आ गया है, तो आप जान गए कि यहाँ पर डू या तो डस पहले लग जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देख सकते हो तुम यानी कि यू, यू के साथ आपका लगेगा डू, तो डू पहले लिख दो सब्जेक्ट से डू, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, ठीक, डू यू अब सोते हो, ठीक। तो अब मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका क्या है, स्लीप, डू यू स्लीप, ऑब्जेक्ट है आपका नाउ, ठीक, यहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, क्योंकि ये भैया क्वेश्चन बनाए हो, डू यू स्लीप नाउ, क्या तुम अब सोते हो, तो अगला वाला आंसर देगा हाँ। तो अब इस पे चलते हैं, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, तो इसका कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। देखो क्या आ गया, तो यानी कि वे का होता है दे, दे से पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, दे की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, यानी कि डू पहले लग जाएगा, ठीक है, आंख मूंद के करोगे दोस्तों इसको, तो डू, फिर वे यानी कि सब्जेक्ट लिखोगे दे, ठीक, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक, वे सदैव सत्य बोलते हैं, तो डू दे ऑलवेज, सदैव का हो जाएगा ऑलवेज, स्पीक मेन वर्ब लिख दो, द क्या बोलते हैं, ट्रुथ, ठीक, समझिए। तो इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस, ठीक, ही शी इट तथा एक वचन की संज्ञा हो, ठीक, अगर ही शी इट है और एक वचन की संज्ञा के साथ वाक्य के कर्ता से पहले डज लगकर कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक। तो कैसे होगा, देखो अगर यहां पर एक बात ध्यान दो, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता, अगर इंट्रोगेटिव में भी आपका निगेटिव आ जाए, जैसे कि यहाँ पर नहीं आ गया, घंटी नहीं बजाता, नहीं आ गया तो क्या करोगे, अगर जब नहीं आ जाता है तो आपका जो उसमें मेन वर्ब है उससे जस्ट एक कदम पहले आपको नॉट लगा देना पड़ेगा। अभी कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता, ठीक, तो क्या आ गया है, तो चपरासी यहाँ पर है, तो चपरासी यानी कि चपरासी है, तो यहाँ पर आपका डज लगेगा, ठीक, तो डज पहले लगा दोगे, तो आओ लगा देते हैं, डज द पियोन, चपरासी पियोन कहते हैं, ठीक, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता, डज द पियोन, फिर अब क्या करोगे, नॉट लगा दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है ना, देखो अब सब्जेक्ट तो लिख दियो द पियोन, अब यहाँ पर नॉट लगा दो क्योंकि यहाँ पर नहीं दे दिया गया है ना, अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, यहाँ पर हो जाएगा रिंग द बेल, ठीक, तो इस तरीके से बनेगी वाला। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं, तो कैसे बनाओगे अब इसका, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं, तो क्या है यहाँ पर, ठीक, देखो क्या है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डज, डज आपका पहले आ जाएगा, ठीक है, डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है, योर, ठीक, तुम्हारे मास्टर साहब, तो यहाँ पर लिखो आप डज योर टीचर, जो सब्जेक्ट है उसको लिखोगे योर टीचर, ठीक, डज योर टीचर
बी ट्यूबर्स, बी देखो डज योर टीचर, यहाँ तक तो आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर ये हो आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर ये आपका मेन वर्ब, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यू लिख दो ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट। तो इस तरीके से बनाया जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब चलते हैं अपने सेकंड टाइप वाले कि किस तरीके से वो बनेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप की तरफ। तो इसमें क्या है आइए जानते हैं। तो इसमें दोस्तों ये वाला आपका फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला मंत्र यूज़ होगा इसको करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ केवल एग्जाम्पल ही लिखे जिसका कि हमें इंग्लिश बनाना है, क्योंकि बहुत ईजी वैसे ही आप समझ जाओगे ठीक। अब देखो अब कैसे है, यहाँ पर देखो वह कहाँ सोता है, इसमें क्या होगा सेकंड वाले टाइप में कि जो कहाँ कब क्यों कैसे ये सब जो होता है वो वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जैसे कि वह आज गीत क्यों नहीं गाती है, तो यहाँ पर क्यों बीच में आ गया, तुम अब क्या करते हो क्या बीच में आ गया, तुम्हें अब कौन बुलाता है कौन बीच में आ गया ठीक। समझ गए, यानी कि जब बीच में आ जाता है ना तो इसकी इंग्लिश लिखी जाती है, अगर जब क्या जो है शुरू में आ जाती है तब नहीं लिखी जाती। अगर यही चीज़ बीच में आ जाए किसके वाक्य के तो उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। जैसे कि कहाँ, कहाँ का मतलब वेयर, तो वेयर की इंग्लिश लिखी जाएगी। तभी यहाँ पर देखो डब्ल्यू एच टाइप ठीक, यानी कि कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, तो वेयर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ठीक। तो यहाँ पर चलो हम शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे वेयर, कहाँ का मतलब होता है वेयर, जो डब्ल्यू एच टाइप वाला है यानी कि कहाँ क्यों कब कैसे, तो पहले आपको उसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी इसमें ठीक, यानी कि डब्ल्यू एच टाइप वाला। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे, इसका सब्जेक्ट देखकर, इसमें सब्जेक्ट कौन है वह है, वह का इंग्लिश में क्या आता है ही, और ही के साथ आपको क्या लगता है डज लगता है ठीक। इसके पहले हमने जो पढ़ा था ठीक इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ आपका क्या लगता है डज, और आई वी यू दे एक बहुवचन संज्ञा के साथ आपका डू लगता है ठीक। वही रूल इसमें भी अप्लाई हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर देखो डज लग गया, तो यहाँ पर अब क्या लगाओगे डब्ल्यू एच के बाद आपका डू या तो डज लगेगा, तो आप जान गए कि यहाँ पर डज लगेगा ठीक। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका ही है, तो ही लगा दो यहाँ पर ठीक। वेयर डज ही सोता, वेयर डज ही स्लीप, बन गया आपका बड़ी आसानी से दोस्तों। बस आपको हल्का सा समझने का ज़रूरत है, टेंस कुछ है नहीं, बस पढ़ोगे तो जो पढ़ता है दोस्तों उसके लिए आसान होता है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए बहुत कठिन होगा ठीक। अब जैसे कि आप पढ़ के गए हो तो आपको पेपर आसानी लगेगा, अगर जो नहीं पढ़ के गया चाहे जितना आसान दे दो उसको कठिन ही लगेगा। जैसे कि वह आज गीत क्यों नहीं गाती है ठीक। अब देखो यहाँ पर क्यों, क्यों मतलब वाई ठीक, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, तो पहले डब्ल्यू एच टाइप वाले लिख दो वाई ठीक, उसके बाद डू या तो डज लगेगा। तो इसमें देखो कर्ता कौन सा है वह, वह, और इसमें वह क्या है सी ठीक, यानी कि इसमें देखो क्यों नहीं गाती है, गाती यानी कि अब लड़के के लिए गाती थोड़ी ना लगाओगे, लड़की के लिए गाती लगाओगे, लड़के के लिए गाता लगाओगे, तो गाती है यानी कि आपको पता चली गई इसमें जो है वो लड़की है करता ठीक। तो यहाँ पर वह दिया गया है, वह की इंग्लिश होती है ही, अगर इसको लड़की में कन्वर्ट कर दोगे तो बन जाएगा शी, तो शी के साथ आपको क्या लगता है ही शी इट के साथ आपका डज लगता है ठीक। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे डू या डू डज में से डज लगा देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो वह आज गीत क्यों नहीं गाती, तो अब क्या करोगे, अब आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखो दो शी, वाई डज शी। अब देखो यहाँ पर नहीं आ गया, इसके पहले वाले में भी मैंने बताया था अगर नहीं आ जाए इंट्रोगेटिव में तो सबसे तो तुरंत आपको वर्ब से पहले नॉट लगा देना पड़ेगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगाएंगे, तो मेन वर्ब से पहले हम पहले नॉट लगा देंगे ठीक। तो नहीं आ गया ठीक, वाई डज शी नॉट सिंग, अब वर्ब लगाओगे मेन वर्ब सिंग द सॉन्ग ठीक। और देखो कुछ वाक्य में है वह आज गीत क्यों नहीं गाती, आज आज आ गया तो ऑब्जेक्ट में आप लिख दो टुडे लास्ट में एकदम ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनेगा सेंटेंस, आई होप आपको ये वाला समझ में आ रहा होगा ठीक। वाई डज शी नॉट सिंग द सॉन्ग टुडे ठीक, तो इस तरीके से बनेगा आपका। तुम अब क्या करते हो ठीक, तो यहाँ पर क्या, क्या मतलब वाट, तो पहले डब्ल्यू एच वाला लिख दोगे वाट ठीक। अब डू या टू डज, तो यहाँ पर देखो तुम यू ठीक, कर्ता को देखो कर्ता क्या है यानी सब्जेक्ट क्या है यू है यहाँ पर ठीक।
तो आई वी यू दे के साथ क्या लगता था आपका, डू लगता था, ठीक। तो डू यहां पर लगा दो, वाट डू, ठीक। तुम अब क्या करते हो, वाट डू, अब सब्जेक्ट यहां पर तुम, यहां पर तुम है यानी कि यू हो जाएगा, ठीक। तुम अब क्या करते हो, तो अब आपने सब्जेक्ट भी लिख दिया, तो क्या करते, करते का यानी कि डू लगा दो क्योंकि करते की इंग्लिश ही डू होती है। व्हाट डू यू डू, अब यहाँ पर लगा दो नाउ, ठीक। समझ गए, नहीं समझे फिर से समझो। देखो तुम अब क्या करते हो, तो यहाँ पर क्या पहले लिखोगे, ठीक, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे डू, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट देखो क्या है आपका, तुम, तुम का क्या होता है, यू होता है, यू के, यू का आपका, यू के साथ आपका डू लगता है, ठीक। आई वी यू दे के साथ आपका डू लगेगा, ठीक। तो आई वी यू दे के साथ आपका डू लगा, तो अब आप क्या लगाओगे, डू या तो डज लगाओगे, तो हमने डू या तो डज लगा दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिया यू। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें करता है, तो करता की इंग्लिश क्या होगी, डू होगा। फिर नाउ, क्योंकि अब क्या करते हो, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब जो सबसे मेन वाला आता है ना ससुरे, ये पतन कहाँ इसमें कचर करे रहता है। अब देखो ये वाला थोड़ा कठिन है, लेकिन आ जाएगा क्योंकि हम हैं साथ, तो डरने की क्या बात। तो देखो, तुम्हें अब कौन बुलाता है, ठीक। अब देखो, अगर ये कौन वाला आ जाए, हु मतलब होता है कौन, ठीक, हु मतलब कौन। तो ये देखो, जब ये हु मतलब कौन हो गया, तुम्हें अब कौन बुलाता है, तो इसका कैसे बनेगा, जब भी देखो अगर कौन वाला आ जाता है, ठीक, हु वाला आ जाता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हु लिखोगे, ठीक, क्योंकि डब्ल्यू एच टाइप पहले लिखोगे, ठीक। तो हमने यहाँ पर हु लिख दिया। अब क्या करोगे, अब सोचो आप डू या तो डज लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा बबुआ, यहाँ पर डू या तो डज नहीं लगेगा, अगर जब हु वाला आ जाता है, केवल यही एक ही कंडीशन है इसमें दोस्तों, ये चीज़ जान लो, क्योंकि जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो ये आसान वाला नहीं पूछेगा आपसे, यही सब पूछेगा, ठीक। देखो, तुम्हें अब कौन बुलाता है, तो तुम्हें कि तुम्हें कौन, कौन जो है ये आपका ये है, ठीक, कौन पहले डब्ल्यू एच टाइप लिखोगे, हु लिख दिए। अगर कौन आ जाता है वाक्य में, जब कौन आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डू या तो डज नहीं लगाना पड़ता है, उसकी जगह आपको मेन वर्ब को लिखना पड़ेगा, ठीक। तो देखो, हु तुम्हें कौन बुलाता, तो मेन वर्ब क्या है, बुलाता, बुलाता की इंग्लिश कॉल्स लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिया कॉल्स, ठीक है, हु कॉल्स तुम्हें। अब क्या लिखोगे, अब सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा यू, नाउ, ठीक है, अब है तो नाउ लगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, मैं भूल गया था लेकिन। तो देखो, ये हु वाला एक बार समझ लो फिर से। देखो, तुम्हें अब कौन बुलाता है, अगर कौन आ जाए यानी कि हु आ जाए, तो हु सबसे पहले लिखोगे। हु लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हु के बाद तुरंत आपको वर्ब लगाना पड़ता है, ठीक। उसमें जो वर्ब दी गई, इसमें वर्ब क्या दी गई थी, बुलाता, बुलाता का क्या हो जाए, कॉल्स। फिर सब्जेक्ट, फिर देखो यही वर्ब उठा के ला के यहाँ पर रख दो, फिर वही चीज़ चलता रहेगा, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट नाउ। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर हो जाता है पूरा कंप्लीट। एक भी टॉपिक दोस्तों आपको छूटा नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो दावे के साथ सही करके आओगे, ठीक। तो इस तरीके से हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों हमने सीरीज शुरू करी है टेंस की, तो टेंस के हम एक एक वीडियो डालते रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो देखना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, करते रहिएगा आप लोग लाफ, अगर कोई बात मेरी बुरी लगी तो मुझे कर दीजिएगा माफ़। यहाँ पर वीडियो होती है एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंडों को कर दीजिएगा सेंड। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।